और अगर मैं हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मैंने कोई क्राइम किया है, मेरा घर टूट रहा है, तो मेरे बच्चों को क्यों सजा? ठीक है, बिल्कुल क्या हिंदू के साथ, हिंदू के घर पर नहीं चलता है बुलडोजर। जितने अनऑथराइज हैं सबके मकान तोड़े जा रहे हैं। और मेरी बात सुनिए, सपा और बीजेपी का फर्क, सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी, लोगों ने अपने जमीन बेच करके पुलिस की नौकरी के लिए गए, लेकिन भर्ती नहीं हुए। जोगी की वो सरकार है जो आज गरीब आदमी का बेटा दरोगा बना हुआ है, एक रुपए नहीं लगे। ये होती पारदर्शी सरकार, इसको बोलते हैं पारदर्शी सरकार। कोई भेदभाव नहीं, ये गलत बात, कोई भेदभाव नहीं, ये इनकी सोच है, इनकी सोच है, गलत सोच रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अधिग्रमण जो है वो हटना चाहिए, सही है, उसके वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। अगर अधिग्रमण है तो फिर उनका कहीं जगह पे कुछ कर भी देना चाहिए ना। योगी जी का बुलडोजर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अकबर नगर है या अकबरपुर है, 20-22 साल से बता हुआ है, 20-22 साल से बता हुआ है। और योगी जी की सरकार कितने साल से उत्तर प्रदेश में, कितने साल से, इन्हें पता नहीं था कि अनऑथराइज्ड जगह, अब इलेक्शन के बाद इन्हें जगह दिखाई देगा ये अनऑथराइज्ड है। जब कॉलोनियां बसाई गई थी, वो कॉलोनियां अनऑथराइज जगह बसाई गई थी, आप दूसरे के मकान में बसोगे तो आपको खाली करना पड़ेगा मकान, आपको मकान खाली करना पड़ेगा, अपना मकान बनाओ, लीगल बनाओ, आपको कोई नहीं खाली करवा। जो लखनऊ में कॉलोनियां टूटी हैं वो अनऑथराइज थी, आप गलत जगह क्यों बसे, आप गवर्नमेंट लैंड पे क्यों अपना मकान बनाए, किसने बनाए, बिजली दी सरकार ने, क्यों दिया, कह रहे क्यों दिया, सपा सरकार ने दिया, सपा सरकार ने दिया, जो चोर सरकार थी उसने दिया था, अब बाबा सत्य सरकार है वो लेटेगा, आप गलत क्यों किए, आप जब चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। 20 साल से बसे हुए वो बसाए गए थे, सपा की सरकार में बसाए गए थे, बीजेपी सरकार उलट रही, उल्टा कर रही है, वो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, बिल्कुल 100% सही कर रही है। दिन ओवैसी है, कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव का परिणाम आया 4 तारीख के बाद में बुलडोजर का मुंह अकबर नगर की तरफ कर दिया। भाई साहब उनको कुछ पता नहीं है, ओवैसी को कुछ पता नहीं है, नहीं उन्हें कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, हाईकोर्ट के ऑर्डर, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि भाई अवैध, जब कॉलोनियां बसाई गई थी वो कॉलोनियां अनऑथराइज जगह बसाई गई थी, आप दूसरे के मकान में बसोगे तो आपको खाली करना पड़ेगा मकान, आपको मकान खाली करना पड़ेगा, अपना मकान बनाओ, लीगल बनाओ, आपको कोई नहीं खाली करवा। ये बुलडोजर की कार्रवाई पर साफ तौर पर असुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 4 तारीख में परिणाम आया है, यूपी में जो बड़े राम के नाम की बात कर रहे थे जब वो ही हार गए, उनको खुन्नस हो गई है कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया क्या, एक तरफा विपक्ष को वोट किया क्या, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया। अब ये बोल रहे हैं कि घर तोड़वाए जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अगर तुम गवर्नमेंट की जगह पे घर बनाकर बसोगे फ्री में तो वो तो टूटे ही जाएंगे भाई। 20 साल से बसे हुए हैं ना, 20 साल से बसे पड़े, अब साल पहले बीजेपी की सरकार में जो सपा सरकार ने बनाया सरकार दलाल थी भाई, अब मोदी जी आए इंसाफ करने, अब मोदी जी आए इंसाफ करने, वो इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, इंसाफ बताइए। ये कह रहे हैं विपक्ष का ये भी कहना है, एक सेकंड सर, एक एक करके, विपक्ष का मैम, विपक्ष का ये भी कहना है वहां पर पानी पहुंचाया गया, वहां पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं, यानी कि सरकार को क्या ये नहीं मालूम था कि इस तरीके से झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, क्या सरकार को ये नहीं पता था कि अब उनकी दो दो पुश्तें वहां से निकल गई हैं, दो दो पुश्तें बसी हुई हैं, अचानक से एकदम से चुनाव के बाद अचानक से मूड हो जाता है कि अरे भाई साहब ये तो अतिक्रमण है, ये तो गलत है, अब हम चलाएंगे बुलडोजर। नहीं नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, पब्लिक ही पता नहीं क्या कर रही है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल, पहली बार 20 साल से अकबर 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 नगर है या अकबरपुर है, 20-22 साल से बता हुआ है, 20-22 साल से बता हुआ है। और योगी जी की सरकार कितने साल से उत्तर प्रदेश में, कितने साल से, इन्हें पता नहीं था कि अनऑथराइज जगह, अब इलेक्शन के बाद इन्हें जगह दिखाई देगा ये अनऑथराइज है। अरे भाई साहब ये इनका काम है, और एक बात मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं खुल के कहने वाला आदमी हूँ और मुझे मोदी की बुराई करनी है तो उसे भी खुल के ही बोलूंगा, मैं नहीं डरता किसी से। एक बात बताओ, सन 2014 से लोग बागों ने एक रट लगा रखी है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, और किसी किसी पागल ने तो कह दिया देश ही आजाद सन 2014 के बाद हुआ है, किसी किसी पागल ने। अब नाम पूछूंगा तो बहुत नाम है, किस किस का नाम लूंगा मैं, है ना, पर आप तो खुल के बोलते हैं ना, बोल दीजिए। हाँ तो वो कंगना राणावत थी, उसका क्या हाल हो रहा है, थप्पड़ भी पड़ गया, अब उसे याद आ गया ना कि 1947 में ही देश आजाद हुआ, थप्पड़ पड़ना सही बात है क्या? बिल्कुल पड़ना चाहिए ऐसे आदमी पे, जब आदमी हो कानून के अलग है, मैं कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ झगड़ा करता हूँ पुलिस वाले, एक मिनट भाई साहब, कंगना छोड़िए, आप मुद्दे पे ही आइए, आप कह रहे हैं कि भाई योगी सरकार जैसे ही आई
तो तब नहीं मालूम था क्या इनको? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं मैं तो जब से आया हूँ तब से बुलडोजर मेरा एकदम तैयार खड़ा है, कहीं भी अतीक हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर अवैध है तो उसे तोड़ा जाएगा, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अच्छा एक बात बताओ राजदान, क्या क्रिमिनल सारे मुसलमान ही हैं? यूपी में एक से बड़े, अरे एक मिनट भाई, यूपी में एक से एक बड़ा क्रिमिनल पड़ा हुआ है जिसमें कई हैं हिंदू भाई, कई हैं, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। अकबर नगर में हनुमान जी का मंदिर भी है। मेरी बात नहीं समझी आप, यूपी के अंदर सबसे बड़े क्रिमिनल यूपी के ही अंदर है ना, और वह हिंदू हैं, ऐसी लिस्ट है कि बहुत हिंदू हैं जिनके पास कई क्रिमिनल, जिन पे उन पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी का घर नहीं टूटा, खास करके एक एक जाति का घर क्यों टूटता है? और अगर मैं हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मैंने कोई क्राइम किया है, मेरा घर टूट रहा है, तो मेरे बच्चों को क्यों सजा? ठीक है, बिल्कुल क्या हिंदू के साथ, हिंदू के घर पर नहीं चलता है बुलडोजर, मुसलमान के घर पे क्यों चलता है भाई? चलता है, जो कॉलोनी अनऑथराइज है सबके, एक सेकंड बात रखी, जितने अनऑथराइज हैं सबके मकान तोड़े जा रहे हैं। और मेरी बात सुनिए, सपा और बीजेपी का फर्क, सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी, लोगों ने अपने जमीन बेच करके पुलिस की नौकरी के लिए गए लेकिन भर्ती नहीं हुए। योगी की वो सरकार है जो आज गरीब आदमी का बेटा दरोगा बना हुआ है, एक रुपए नहीं लगे, ये होती पारदर्शी सरकार, इसको बोलते हैं पारदर्शी सरकार, ये चमचागिरी वाली सरकार नहीं है, ये सत्यता है। तो टेक नहीं है मुझे, नहीं 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 कोई, नो 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 नो, आपको एक बात और, सरकारी सुविधाएं किसको, सरकारी जो सुविधाएं मिल रही हैं सबको मिल रही है, आवास में ये सही बात है, भाई साहब देखो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, अहम कर्म नहीं है वो सरकार की योजना, वो भाजपा का अहम कर्म नहीं है, आवास मिल रहा है या शौचालय मिल रहा है भाजपा अपने घर से नहीं दे रही है, सरकार दे रही है उसको योजना, हमारे टैक्स मिल रहा है, लोग कह रहे मिल, भेदभाव कर रही है, भेदभाव ऐसे भेदभाव नहीं, ऐसे वो क्रिमिनलाइज पे तो भेदभाव कर रही है। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी मारे गए वो ठीक है, वो मारे गए, एक बात बोलूं, अगर ये कहते हैं कि इतने सरकारी जो है मुसलमानों को नहीं मिल रहा, तो आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो वहाँ पे आधा ज्यादा तो मुसलमान आबादी है, आप LNJP देख लो, आप एम्स देखो, वहाँ पे तो मुसलमानों को भी उतना ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है क्या? देखिए 10 साल हो गए मोदी सरकार 10 साल पहले रही है, इस बार NDE सरकार है, यानी कि मेजोरिटी नहीं है, तो मैं तो NDE सरकार कहता हूँ साफ तौर पे, क्योंकि 400 पार भाई नहीं आया है तो मैं तो NDE सरकार बोलता हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ इन 10 सालों में आपको लगा कि कहीं भेदभाव रहा मुसलमान के? नहीं नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, गलत बात, कोई भेदभाव नहीं, ये इनकी सोच है, इनकी सोच है, गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल हाँ हटाया जाएगा, सही बात है, बसे रहोगे आप, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, मैक्सिमम मुसलमान बस्ती क्यों टारगेट में नहीं, ये सिर्फ जनता लड़ाई झगड़े खुद करेंगे, नेताओं का कुछ नहीं होगा, मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो कुछ मुसलमान संगठन कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वहाँ पर कॉरिडोर बने, वहाँ पे एक नदी भी है, वहाँ के कुछ लोगों का कहना है, खास तौर पे मैं सर असम के साथ बात कर लूँ, मैं लोगों का ये कहना है कि भाई हम चाहते हैं कि वो नदी जो है जीवित नदी है, अच्छा पानी है, तो वहाँ पर जो बस्ती के लोग अकबर नगर के, उन्होंने नदी को नाले से बदतर बना दिया है, गंदगी डाल दी है, कचरा हो गया है वहाँ पर, तो सरकार चाहती है कि वहाँ पर वाकई में एक पार्क बने, अच्छी सुविधा बने, तो कह रहे गरीबों को हटा के आप कौन सा पार्क बना दोगे, गरीबों का घर तोड़ के आप क्यों? वो तो घर दे रहे हैं भाई गरीबों को, वो कैसे कर देंगे इनके साथ, ना इंसाफी वाली बात है ये, तो ये नहीं ये गलत। सर क्या सर, इरफान मैं गुजरात से ही हूँ, ये जो बात अधिक्रमण की हो रही है, तो अधिक्रमण में तो सर जो अधिक्रमण जो है वो हटना चाहिए सही है, उसके वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते, अगर अधिक्रमण है तो फिर उनका कहीं जगह पे कुछ कर भी देना चाहिए ना, रात को आप किसी को भी बेघर कर दोगे तो थोड़ा तो तकलीफ होगा। सही, कोई अकबर नगर की घटना मालूम है, क्योंकि ये बड़ी चर्चाओं में है और भी जगह कार्रवाई हो रही है, अकबर नगर में ये कहा जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वहाँ से, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मुसलमान का या हिंदू का किसी का भी घर तोड़ देना, मंदिर भी है, हो रहा है, अगर सरकार को कुछ अच्छा करना है तो फिर उनके लिए भी कुछ संभव जगह पे प्रस्थान करना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम इनके लिए अलग से बना रहे, ओबीसी कह रहे हैं, ओबीसी ये कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है, जब से 4 तारीख का परिणाम आया है, बौखला गए इसलिए कर रहे हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो योगी जी का बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर जो चल रहा है वो सही चल रहा है, मगर उसका भी कुछ नुकसान भी है, अगर मानो कि घर के अंदर चार मेंबर है, बीवी बच्चे है, माँ बाप है, अगर उनके घर के अंदर से कोई लोंडा ऐसा हुआ है जो समाज में गैर कानूनी प्रवृत्ति या किसी भी लोचे लबाज में पड़ गया, तो एक की सजा हम घर के जो दूसरे हैं उनको तो नहीं दे सकते ना सर।
अगर एक ने जो किया है तो उसके ऊपर उनकी कानूनी कार्रवाई सब होनी चाहिए, उसको जेल में डालो। अगर मान लो किसी का रेप हो गया, सही है, वो खंडन है, मगर वो जो रेप किया है उसको तुम फांसी पे चढ़ा दो। घर पर नहीं उसके क्या मालूम कि वही वही जो घर रहे हैं अतिक्रमण में, तो पूरा का पूरा घर शामिल है, मुखिया शामिल है अतिक्रमण में। ये क्यों क्यों कहा जा रहा है उसी के द्वारा कि ये एक भाजपा जो टारगेट कर रही है, ओबीसी सही कह रहे गलत कह रहे हैं कि टारगेट हो रहा है? नहीं टारगेट हो, चलो हम ओबीसी सही कह रहे गलत कह रहे हैं, और राजनीति खेल रहे हैं, सही राजनीति गलत राजनीति, वो सही नहीं है, सही नहीं है राजनीति, वो सही नहीं है, नहीं है वो सही नहीं है, सही है वो, गलत राजनीति है ये। किसी भी पार्टी का नेता हो अगर वो धर्म के ऊपर राजनीति करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सबसे बड़ी चीज सुनिए, आपको लग रहा है आप भी मुसलमान हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, जब से मोदी सरकार आई है क्या यूपी के खासतौर पर यूपी में योगी बाबा की भी बड़ी चर्चा रहती है, और पूरे देश की बात करें क्या भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ, अंडर अटैक है मुसलमान, वो सब मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी के मोदी जी के पास आज भी कई ऐसे विधायक है जो जो अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, तो उनपे थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। तो मोदी जी ने तो अभी जो नया मंडल बनाया है ये कैबिनेट का, उसमें तो सबको कहा है ना उन्होंने कि भाई कोई भी हमारा सांसद हो या कोई भी मंत्री हो, सब अपने शब्दों पर गलत इस्तेमाल ना लगाम लगाए। और आप भी जानते ही होंगे सर, उसकी वजह है वीडियो मिलते ही है, 240 आई है ना। योगी बाबा कह रहे हैं कि अब तमाम जितने भी नेता हैं सब जमीन पर काम करिए, अगर किसी जनता को समस्या आई तो हम फिर अभी चुनाव आता है बीच में पाकिस्तान आ जाता है, अरे भाई हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें क्या। अरे मैं कह रहा हूँ देश के इतने मजबूत गृह मंत्री 352 सीटें देने के बाद अरे खत्म करो ना पाकिस्तान को भाई, रशिया यूक्रेन जितनी भी जगहें हैं अगर कोई हमारे देश को दिक्कत देता है तो वो देश क्या करते हैं, एकदम से अटैक करना पड़ता है अटैक एकदम से। भाई मैं तो 47 के किस्से सुनता आ रहा हूँ, तुम एकदम से बात कर रहे हो, लगभग लगभग 75-76 साल हो गए, कब एक्शन लोगे आप बताओ, आप बात करते हो फिर आप फोनों पे बात कर रहे हो कि फला मंत्री ने मुबारकबाद दे दी है, फिर आप कभी लाहौर पहुंच जाते हो चुपचाप, देखो काम पाकिस्तान की आज पोजीशन देख लो आप कहाँ है, कोई कंपेयर है भाई की सुनो कुछ नहीं है। आप मेरे से कह रहे हो बार बार, एक मिनट देखो यहाँ पे दो तीन पॉइंट मैं बता देता हूँ फटाफट। आप कह रहे हो कि अवैध निर्माण की आप बात करते हो, अब मोदी सरकार ने ही 300 घर, एक कंपनी है NBCC इंडिया जी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो 300 घर बनाएंगे शहरों के अंदर भी और गांवों के अंदर भी, तो क्या वो मुसलमान को नहीं मिलेगा क्या? सबको मिलेगा, सबको सबका नाम है, तो वो क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा? न्यूज पोर्टल में आ चुकी है, पढ़ो जाके पहले। हाँ तो आप पढ़ो पहले भाई साहब। आप सर 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 आप भी बड़े समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, जब भी सर करके सर आप इस तरीके से, जब भी हम योगी जी की बात करते हैं योगी जी को लेकर के चर्चाएं हैं कि योगी जी है प्रो हिंदुत्ववादी नेता है, केवल हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, ये माफिया हो या चाहे अतिक्रमण हो, क्या आपको लग रहा है कि केवल हिंदुवादी राजनीति नहीं है? यूपी से गुंडागर्दी खत्म कर दी है। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन का आदमी हूँ। बागपत बड़ौद की साइड जब मैं गाड़ी लेके जाता था तो रात को लोग कहते थे भैया इस रोड पर मत जाना, आज किसी भी टाइम की यूपी में किसी कोने में चले जाओ आपको कोई रोक टोक नहीं है।